आईपीएल 2022 का धमाकेदार आगाज हो चुका है और आईपीएल के इस सीजन के छठे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती। पिछले मैच में फैफ डुप्लेसिस के साथ आरसीबी की तरफ से ओपन करने आए अनुज रावत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में उनसे भी एक अच्छी पारी की सबको उम्मीद होगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे, जो टेस्ट क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, वो अलग ही अंदाज में दिखाई दिए और आखिर की उन्होंने भी इस सीजन की अच्छी शुरुआत की। वहीं वेंकटेश अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना और यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच रहती है। एवरेज स्कोर देखें तो 160 से 170 रन तक चला जाता है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों की यहाँ पर खूब पिटाई होती है। वहीं स्पिनर्स जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो फिर उनको पिच से मदद यहाँ मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन इस मैच में आरसीबी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। दोनों टीम्स के बीच हुए अब तक के कुल मुकाबले आप देखेंगे तो दोनों टीम्स 29 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 बार जीत हासिल की है, वहीं आरसीबी को सिर्फ 13 मैचेस में यहाँ जीत मिली है। अब हम आपको बताते हैं जब दोनों टीम के खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तब उनका कैसा प्रदर्शन रहता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों की कि जब वो केकेआर के गेंदबाजों के सामने होते हैं तब उनका कैसा प्रदर्शन होता है। विराट कोहली सुनील नरेन के सामने 98 गेंदे अभी तक खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 101 रन बनाए और नरेन ने इनको 3 बार आउट किया है। विराट कोहली उमेश यादव के सामने 81 गेंदे खेल चुके हैं और उमेश यादव की उन्होंने तगड़ी धुनाई करी है, उन्होंने 141 रन इन 81 गेंदों में बनाए हैं, वहीं 2 बार उमेश यादव ने उनको आउट किया है। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने सुनील नरेन के सामने 75 गेंदे खेली हैं और सिर्फ 80 रन वो बना पाए हैं और सुनील नरेन ने उनको 3 बार अपना शिकार बनाया है। वहीं फैफ डुप्लेसिस के आप स्कोर की तरफ देखेंगे तो नरेन के सामने 62 गेंदे उन्होंने खेली हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 45 रन बनाए हैं और 2 बार नरेन ने इनको आउट भी किया है। ऐसे में फैफ डुप्लेसिस से आप इस मैच में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। विराट कोहली आंद्रे रसल के सामने जब जब हुए तो 52 गेंदे उन्होंने खेली हैं अभी तक कुल, और इसमें उन्होंने 78 रन बनाए हैं, जिसमें 1 बार रसल ने इनको आउट किया है। वहीं विराट कोहली टिम साउदी के सामने 39 गेंदों में 49 रन बना चुके हैं और 1 बार अपना विकेट इन्होंने गंवाया है। दिनेश कार्तिक का स्कोर सुनील नरेन के सामने ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है, 34 गेंदें उन्होंने खेली हैं और सिर्फ 41 रन उन्होंने बनाए हैं, हालांकि नरेन ने इस दौरान इनको 1 बार अपना शिकार भी बनाया है। वहीं दिनेश कार्तिक ने उमेश यादव के सामने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, सिर्फ 32 गेंदों में 60 रन उन्होंने बनाए हैं और 1 बार सिर्फ अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। जहां फैफ डुप्लेसिस का बल्ला सुनील नरेन के सामने पूरी तरह से शांत था, वहीं आंद्रे रसल के सामने इनके बल्ले ने हल्ला बोला है और 32 गेंदों में इन्होंने 58 रन की पारी खेली है। इस दौरान सिर्फ 1 बार रसल इनको आउट कर पाए। वहीं फैफ डुप्लेसिस ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, 28 गेंदों में इन्होंने 42 रन बनाए हैं और वरुण चक्रवर्ती जो कि स्ट्राइक गेंदबाज हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, इनको 1 बार भी अभी तक आउट नहीं कर पाए हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती के अगर आप आंकड़े विराट कोहली के सामने देखेंगे तो विराट कोहली को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, 24 गेंदें जो विराट कोहली ने इनके सामने खेली हैं उसमें सिर्फ 20 रन विराट बना पाए हैं और 1 बार इस दौरान वो आउट भी हुए हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की कि जब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों के सामने हुए हैं तब उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। अजिंक्य रहाणे ने करण शर्मा के सामने 44 गेंदे जो खेली हैं 52 रन सिर्फ उसमें बनाए हैं इन्होंने और 3 बार इनको अपना शिकार बनाया करण शर्मा ने। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने सिद्धार्थ कौल के सामने 37 गेंदे जो खेली हैं उसमें 37 रन ही बनाए हैं और 1 बार आउट भी हुए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर ने सिद्धार्थ कौल के सामने 29 गेंदे जो खेली हैं उसमें इन्होंने 25 रन बनाए और 1 बार अपना विकेट भी गंवाया है। वहीं श्रेयस अय्यर का स्कोर आप मोहम्मद सिराज के सामने देखेंगे तो 27 गेंदों में सिर्फ 26 रन उन्होंने बनाए हैं, 2 बार अपना विकेट भी इस दौरान उन्होंने गंवाया है। नीतीश राणा ने मोहम्मद सिराज के सामने 21 गेंदों में 33 रन बनाए और 1 विकेट उन्होंने गंवाया है। आंद्रे रसल ने हर्षल पटेल के सामने 20 गेंदों में 35 रन बनाए हैं और 1 बार हर्षल पटेल का शिकार भी बने हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे जैसन बेरेंडॉफ के सामने 20 गेंदे कुल खेले हैं और सिर्फ 22 रन बना पाए हैं। वहीं आप वेंकटेश अय्यर के आंकड़े देखेंगे तो मोहम्मद सिराज के सामने खेलते हुए उन्होंने 18 गेंदे खेली हैं और सिर्फ 13 रन वो बना पाए हैं। नीतीश राणा हर्षल पटेल के सामने 18 गेंदों में सिर्फ 23 रन बना पाए और 2 बार हर्षल पटेल ने इनको अपना शिकार बनाया है। वहीं नीतीश राणा सिद्धार्थ कौल के सामने 17 गेंदों में सिर्फ 12 रन बना पाए और सिद्धार्थ कौल ने इनको 1 बार आउट भी किया है। तो आप ये आंकड़े देख करके समझ गए होंगे कि इस मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आप फेवरेट मान सकते हैं। अब बताते हैं आपको दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11, कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीम्स आपको दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आरसीबी की, ओपन करते हुए आपको दिखाई देंगे अनुज रावत फैफ डुप्लेसिस के साथ में,
विराट कोहली नंबर 3 पर, उसके बाद दिखाई देंगे आपको दिनेश कार्तिक, नंबर 5 पर दिखाई देंगे आपको शफीन रदरफोर्ड, उसके बाद दिखेंगे आपको शाहबाज अहमद, उनके बाद में वेनेंदु हसरंगा, डेविड विली, हर्षल पटेल, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल 11 की। अजिंक्य रहाणे वेंकटेश अय्यर के साथ आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर दिखाई देंगे आपको नीतीश राणा और नंबर 5 पर दिखेंगे आपको आंद्रे रसल, उसके बाद देख सकते हैं आपको सैम बिलिंग्स, फिर सुनील नरेन, शेल्डन जैक्सन, उमेश यादव, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती।